वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में वो है कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है, जो पहला मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें जो आपने फर्स्ट कैलकुलेट करना है, इसमें जो फर्स्ट स्टेप है आपका, वो होगा सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इयर्स। सेकेंड स्टेप इज टू कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू को कैलकुलेट करने का बेस्ट मेथड है इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मैंने अभी एक्सप्लेन किया है सुपर प्रॉफिट में कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। एंड थर्ड स्टेप इज टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के दो अप्रोचेस हैं, या तो एसेट्स अप्रोच है या फिर लायबिलिटीज अप्रोच। एसेट अप्रोच में एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है, और लायबिलिटीज अप्रोच में कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड फोर्थ स्टेप इज टू कैलकुलेट द गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला, इसमें नंबर ऑफ इयर्स परचेज का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, डायरेक्टली कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। यह आपका मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करने का। आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा कि आप किस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड में दूसरा मेथड जो है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो है हमारा वो होगा कैलकुलेट करना नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसेट अप्रोच से एसेट माइनस लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज अप्रोच से कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल अगर कुछ है बुक्स में, और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, ठीक है। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारा होगा गुडविल को कैलकुलेट करने का, और गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एंड आपकी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। कैपिटल
कैपिटलाइजेशन मेथड के दो मेथड्स है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर आपको सिर्फ लिखा हुआ आता है क्वेश्चन में कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, आप कोई भी दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों से सेम अमाउंट आएगा। ठीक है, अगर स्पेसिफाई है कि एवरेज कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट से ही निकालना है तब तो आप वही मेथड से निकालेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा जाएगा तो कैपिटलाइजेशन के कोई भी दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके आप गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो ये हमारा एंड होता है दूसरे चैप्टर का, चैप्टर टू एंड होता है ऑफ आवर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। और इसके आगे हम जब नेक्स्ट चैप्टर सीखेंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं दूसरे से। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो।